तो हम देखते हैं कि हम जो है वो कैसे यूज़ करते हैं गेट को। हमारे पास गेट का मेथड है, मेथड कह लें आप, फंक्शन कह लें, जो हमें जीक्यूरी प्रोवाइड कर रहा है। डॉलर की साइन है, डॉट लगाएंगे एंड हम गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसे बताएंगे कि हमारी जो हम रिक्वेस्ट जो है वो किसे भेजने जा रहे हैं। आप लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, या हम आपको अभी दिखा देते हैं कि मेरे पास, ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे जो है एक न्यू फाइल बनाता हूँ जो PHP की है, ठीक है, एंड उसे सेव करवाता हूँ। फॉर इंस्टेंस नेम, नेम डॉट PHP के नाम से। कहाँ सेव करवाऊँगा मैं? PHP के फोल्डर में, ठीक है। PHP के फोल्डर में नेम डॉट PHP के नाम से मैं फाइल बनाने जा रहा हूँ, एंड मैंने बना ली है, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे एंड सबसे पहले हम उसे बताएंगे कि PHP का फोल्डर है मेरा, एंड उसके अंदर नेम डॉट PHP के नाम से मेरे पास एक फाइल है। फर्स्ट पैरामीटर हम उसे बताएंगे कि रिक्वेस्ट कहाँ जनरेट करनी है, ठीक है। हम कॉमा देंगे एंड उसके बाद हम जो है एक, अगर आपने वैल्यू सेंड करनी है तो हम वैल्यू ऐसे सेंड करेंगे दो जो है कर्ली ब्रेसेस के साथ, देन हम कॉमा देंगे। एंड जब हमारी जो है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होगी। कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है? यहाँ से हम डेटा भेजेंगे कि जो डेटा हमें यहाँ से मिल रहा है यूज़र से, चाहे वो वन वेरिएबल हो, टू हो, हमने ब्रेसेस इसी वजह से लगाए हैं बिकॉज हम मोर देन वन भी वैल्यूज भेज सकते हैं, दैट्स व्हाई हमने ब्रेसेस लगाए। एंड फंक्शन उसके बाद हमें जो है रिटर्न हो, कॉल बैक फंक्शन चले, वो क्या करेगा, जो यहाँ से डेटा मौसूल होगी हमें, जो रिक्वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं कि हम ये नाम, आप ये नेम आपके पास भेज रहे हैं, इसे रिवर्स करके हमें दें, तो जो डेटा आएगी वो फंक्शन के अंदर, ठीक है। एंड जो जब डेटा हमें जो है वो मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव बना देते हैं फीडबैक की, तो हम यहाँ पे शो करवा देते हैं अपना डेटा, ठीक है। हम उसे आईडी देते हैं फीडबैक, ठीक है। वापस चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में। हम यहाँ आते हैं एंड हैंडलर बनाते हैं कि जो फीडबैक की आईडी है उसे जो है वो टेक्स्ट असाइन कर दें, एंड टेक्स्ट क्या होगा, डेटा जो हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से हम वैल्यू सेंड करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ जाते हैं अपनी फाइल में एंड जस्ट जो है वो एको करते हैं, एको में लिखते हैं अहमद, ठीक है। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ से मैं शहजाद भेज रहा हूँ, एंड आप देख सकते हैं कि हमें अहमद अहमद मौसूल हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ से अभी जो इस वेरिएबल में यूज़र वैल्यू दे रहा है, जो इन दिस केस मैंने शहजाद अहमद वैल्यू दी यहाँ से, तो हम वो पास अभी नहीं करवा रहे, हमने वो पास नहीं करवाई। वैल्यू मीन्स वैल्यू हमारी यहाँ से नेम डॉट PHP के पास नहीं गई, लेकिन रिक्वेस्ट बिल्कुल जनरेट हुई आपकी नेम डॉट PHP पे। जैसे ही रिक्वेस्ट गई तो वहाँ पे एको हुआ पड़ा है, हमने पहले से ही एको जो है वो करवाया हुआ है अहमद के नाम से, ठीक है। रिक्वेस्ट जनरेट हुई, यहाँ से एको हुआ, तो यहाँ से वो ये वैल्यू लेगा एंड वापस आएगा बिकॉज जब ये रिक्वेस्ट, आपको पता है कि ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने कॉल बैक फंक्शन चलाया हुआ है, वापस आएगा इस वेरिएबल में, हमारे पास जो है डेटा आएगा जो अहमद के नाम से है, एंड वो डेटा हम अपनी जो डिव है हम उसे दे रहे हैं, जो अपने फीडबैक के नाम से बनाई हुई है, ठीक है। ठीक है, एंड हम आगे चलते हैं। तो आपको आपको पता है कि नेम के नाम से हमने जो है वेरिएबल बनाया हुआ है ये, ठीक है। एंड फॉर इंस्टेंस हम इसे स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम यहाँ पे नेम लिखेंगे बिकॉज हम जो ये नेम है हम यहाँ रिट्रीव करवाने जा रहे हैं, एंड आपको पता होगा कि आप रिट्रीव जो है वो कैसे करवाते हैं वैल्यूज इन गेट एंड देन वेरिएबल का नाम, नेम यहाँ पे रखेंगे एंड ये वैल्यू हम रिट्रीव करवाएंगे, हम नेम ये, एंड उसे भेज क्या रहे हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ओके। हम नेम जो PHP में रिट्रीव करवाएंगे, ये वेरिएबल का नेम जो PHP में रिट्रीव करवाएंगे, एंड उसकी वैल्यू क्या है जो इस वेरिएबल के अंदर भेज रहे हैं हम, ये स्ट्रिंग है बिकॉज जो यूज़र से वैल्यू आ रही है वो हम स्ट्रिंग में भेज रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं एंड यहाँ आने के बाद हम इफ लगाते हैं
एंड इस सेट का फंक्शन है हमारे पास इस सेट डॉलर गेट, बिकॉज हमने रिक्वेस्ट जो है गेट की हुई है नेम, ठीक है। अगर नेम हो, नेम के नाम से हमारे पास कोई फोल्डर जो है वो आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे डॉलर नेम के नाम से एक अपना जो है वेरिएबल बनाते हैं जो पीएचपी का वेरिएबल होगा, एंड हम डॉलर अंडरस्कोर गेट के नाम से जो है रिसीव करते हैं, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, सॉरी हमारी फाइल जो है वो बंद हो चुकी है, क्लोज हो गई मिस्टेक से। हम वापस जाते हैं, अपनी फाइल खोलते हैं, वन को हम रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें ये मौसूल हुई, एंड देन हम इसे ही एको करवाते हैं, एंड हम देखते हैं कि जैसे ही आप एको करवाएंगे तो जो वैल्यू हमें मिल रही है वो वापस हमें मौसूल होगी। हम जो है रिफ्रेश करते हैं, एंड हम लिखते हैं शहजाद अहमद, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से हमें मौसूल हो रही है, बिकॉज हमने रिक्वेस्ट में कहा था कि जो हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं, बिकॉज हमने शहजाद अहमद दिया, यहाँ आया एंड रिक्वेस्ट जनरेट हुई HTTP। हम नेम के वेरिएबल में अपना स्ट्रिंग भेज रहे हैं जो हम जो है वो टेक्स्ट फील्ड से उठवा रहे हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट जनरेट होगी हमारा जो है वेरिएबल जाएगा, इस वेरिएबल को हम यहाँ लेके जा रहे हैं जो हमारी नेम्स डॉट पी एच पी, एंड हम उस वेरिएबल को यहाँ चेक करवा रहे हैं कि अगर सेट है तो हम यहाँ से गेट करवा रहे हैं कि गेट हो हमारा, एंड हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, एंड हम उसे एको करवा रहे हैं वापस। जो है जब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा पी एच पी का, रिक्वेस्ट वापस आएगी एंड हमें कॉल बैक फंक्शन होगा, जो हमें डेटा यहाँ से एको हो रहा है वो इस डेटा वेरिएबल के अंदर आएगा, एंड उस वेरिएबल जो यहाँ पे आ रहा है हम डेटा, हम उसे जो है एक डिव है फीडबैक के नाम से, हम उसे वो वैल्यू दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे नेम जो है मैंने डेटा रखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो, दैट्स वाई यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अहमद जो है आप वेरिएबल का नाम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, वॉट एवर जो आपकी मर्जी हो। फिलहाल जो है हमें ये वेरिएबल जो है ये वैल्यू मिली, यहाँ से हमने गेट करवाई, एंड हम इसे क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है str रिवर्स का फंक्शन है, एंड जो ये हमारे पास नेम है, ठीक है, ये हम इस वेरिएबल को दे देते हैं एंड हम इसे एको करवा देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो क्या करेगा, उसे str रिवर्स का फंक्शन है, मींस स्ट्रिंग रिवर्स करके देगा, जो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं यहाँ से तो वो स्ट्रिंग रिवर्स करके देगा हमें, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास वैल्यू मौसूल हो रही है, ठीक है। शहजाद अहमद को जो हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ठीक है, हमें एक एरर जो है मौसूल हो रहा है, बिकॉज वो कह रहा है कि नेम स्ट्रिंग क्या एरर था, सेंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ये लाइन नंबर 8 के अंदर, लाइन नंबर 8 अनएक्सपेक्टेड एरर क्या है हमारा, स्ट्रिंग वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड हम सेंड करते हैं वैल्यू, अनएक्सपेक्ट, सॉरी, हम पीएचपी में जाके देखते हैं कि हमने क्या गलती की है, बिकॉज हम यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दे रहे थे, दैट्स वाई हमें एरर मौसूल हो रहा था, ठीक है। हम दोबारा अपनी वैल्यू देते हैं एंड क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसने शहजाद अहमद को जो हमने फॉर इंस्टेंस हम एक और वैल्यू देते हैं अली, ठीक है, अली देते हैं हम, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने रिवर्स करके हमें वापस दी। यहाँ पे हम वापस समझने की कोशिश करते हैं, जो स्क्रिप्ट हमारा है, सबसे पहले हम वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से एंड उसे हम स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, देन हम डॉलर डॉट गेट एक फंक्शन है, मेथड है हमारा, वो कॉल करवा रहे हैं जो jQuery हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम फाइल का नेम बता रहे हैं कि ये हमारी फाइल है PHP के फोल्डर में, नेम डॉट PHP के नाम से हमने फाइल बनाई हुई है, देन हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं एंड हम दो कर्ली ब्रेसेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिकॉज हम वैल्यू सेंड करने जा रहे हैं JavaScript से, jQuery से वैल्यू सेंड करने जा रहे हैं PHP सर्वर की तरफ, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने लिखा हुआ है। नेम वो वेरिएबल है जो हम यहाँ आके गेट में रिट्रीव करवाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू
नेम, ठीक है, तो ये वेरिएबल का ही नेम होता है आई थिंक, ठीक है, तो ये ऐसे ही है। तो हम यहाँ से वैल्यू जो है नेम के वेरिएबल में सेंड करेंगे जो जो यूज़र से आ रही है, उसके बाद में हमने जो है वो कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। जब ये पोर्शन पूरा होगा हमारा, रिक्वेस्ट जनरेट होगी एंड सेंड हो गई वैल्यू, देन हमने कॉल बैक फंक्शन जो है वो चलाया हुआ है। जैसे ही कॉल बैक फंक्शन होगा तो जो वैल्यू हमने यहाँ से सेंड की है सर्वर की तरफ, जाहिर सी बात है, तो हम जब सर्वर की तरफ वैल्यू सेंड करते हैं सर्वर रेस्पॉन्स ज़रूर करता है। तो हमने यहाँ से वैल्यू गेट की हुई है, चेक करवा रहे हैं कि सेट है या नहीं है, देन हमने गेट की हुई है बिकॉज हम गेट मेथड के ज़रिए ही वैल्यू सेंड कर रहे हैं। ये गेट मेथड, दैट्स वाई हमने गेट मेथड से नेम, आप देख सकते हैं हमने यहाँ से नेम वेरिएबल में डाल के सेंड की हुई है जो है सर्वर को। यहाँ से हम स्ट्रिंग का फंक्शन जो है हम चला रहे हैं जो PHP प्रोवाइड कर रहा है। हम जो हमारे पास वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट से jQuery से आ रही है, हम उसे जस्ट जो है रिवर्स करके एको करवा रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को एको करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिटर्न होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसे छोड़ दें और एको हम जस्ट जो हमें मिल रही है उसे करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको अली एज इट इज़ मिलेगा, बिकॉज यहाँ तक जो भी चीज़ आप एको करवाएंगे वही चीज़ वो रिट्रीव करके देगा, ठीक है। हम एको एंड हमेशा एको एक ही चीज़ होगी आपकी, ठीक है, PHP की स्क्रिप्ट में, दैट्स वाई वो रिटर्न जो है रिटर्न करके देगा। तो ये था हमारा छोटा सा एग्जाम्पल, ये जो है छोटा सा प्रोग्राम था, छोटी सी एग्जाम्पल थी कि आप गेट जो है गेट रिक्वेस्ट जो है आप जो है वो कैसे सेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो हम सर्वर की तरफ सेंड कर रहे हैं। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।